श्री राम। दोस्तों, अगर वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पीएनजी ज्वेलर्स का जो अपकमिंग आईपीओ है उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें वीडियो में हम पूरा रिव्यू करेंगे कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ये कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी से। ज्वेलर से तो पता चल ही गया है कि ज्वेलर वाली कंपनी के पास, अब भी बताऊंगा कि ये कहाँ पे वर्क करती है, इसका सेक्टर कैसा होने वाला है। और फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। फिर हम एक प्रेडिक्शन लगाएंगे कि ये फ्यूचर में कैसे रहेगा। फिर हम जीएमपी से ये अंदर लगाएंगे कि लिस्टिंग इनको अच्छा मिल सकता है या नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसमें फुल इन्फॉर्मेशन करेंगे, पूरा इसका रिव्यू करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें एवरीवन। बाकी आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी ऑल द लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एवरीवन जरूर चेकआउट कर लेना। हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है और इसके मैं किसी आईपीओ में नहीं कहता कि आप अप्लाई करें या ना करें, अपना रिस्क और अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। और दोस्तों, हमारे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम चल रहे हैं तो आपको उससे बच के जरूर रहना है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के माध्यम से आप ज्वाइन करें। इधर उधर से अगर आप लिंक से ज्वाइन होते हो तो आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हो एवरीवन। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे कि मैंने नाम तो बताई दिया, इसका नाम है पीएनजी ज्वेलर्स। तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बेसिकली ज्वेलर्स के रिगार्डिंग कंपनी है ये। इसका जैसे पीएनजी ज्वेलर्स जो है ये लगभग 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। बेसिकली कंपनी क्या करती है, ये जैसे ज्वेलर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं और गोल्ड, सिल्वर या डायमंड्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को अपने। बाकी अगर कंपनी की बात करें, कंपनी के लगभग अभी तो कंपनी तो सही चल रही है, सेक्टर बढ़िया है कंपनी का। और इसके लगभग 8 सब इसके ब्रांड्स हैं जो कि जैसे गोल्ड ज्वेलर्स, और इसके बहुत सारे जो इसमें कुछ 8 ब्रांड्स में आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बाकी बात करें कंपनी में लगभग अभी तो जो कंपनी वर्क कर रही है, कंपनी लगभग इसके जो लगभग हमें जो 31 दिसंबर 2023 में कंपनी के जब भी जो इसमें दिया गया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो 33 स्टोर हैं, जिसमें इंक्लूडेड स्टोर लगभग अभी 32 हैं इसके। और कंपनी के लगभग 18 सिटीज में कंपनी जैसे वर्क करते हुए हमें दिख रही है। सबसे ज़्यादा तो ये कंपनी महाराष्ट्र में वर्क हमें करते हुए दिख रही है, जैसे कि गोवा में भी कर रही है, बाकी इसके स्टोर तो और भी अदर स्टेट्स में भी है, यूएस ऐसे। बाकी ये लगभग एक स्क्वायर फीट अप्रोक्स लगभग 95,885 में स्क्वायर फीट में ये मतलब एक्सपोर्ट मतलब इंक्रीज हो रखी कंपनी। बाकी इसके 23 भी इसके वो है, वो बात करें तो कंपनी के 23 इसके स्टोर्स भी हैं। कंपनी अच्छा मतलब रेवेन्यू वर्क कवर कर रही है, कंपनी अच्छी। बाकी बात करें कंपनी का लगभग 1,152 इसके लगभग इसके एम्प्लॉय वर्क करते हुए दिख रहे हैं हमें। कंपनी का सेक्टर बढ़िया है ज्वेलर्स का, तो मैं बस पूरा आपको वीडियो का अंदर जरूर देखना, इसमें मैं पूरा आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो बात करें कंपनी की एसेट्स की, एसेट में तो लगभग अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए हमें मिली है। रेवेन्यू में की बात करें तो रेवेन्यू में भी लगभग हमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है कंपनी की, जो ग्रोथ कंपनी कर रही है रेवेन्यू में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ करा है। और बात करें कंपनी के जो एसेट्स हैं तो कंपनी के एसेट्स भी अच्छे ग्रोथ करते हुए हमें दिख रहे हैं। और हमें तो आपको बस पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, आपको वीडियो को अंदर जरूर देखना है। और बात करें कंपनी के जो प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की, आफ्टर टैक्स तो के बाद भी कंपनी ने लगभग बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला है। बाकी ये SME कोटे के लिए नहीं है ये, मतलब जो अप्लाई करोगे तो आप NSE और BSE दोनों में लिस्ट होगा। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो भूल जाता हूँ मैं, तो आपको वीडियो में भी बता दी मैंने। बाकी नेट वर्थ की बात करें कंपनी की, नेट वर्थ तो लगभग ईयर ऑन ग्रोथ करते हुए दिख रही है। और रिजर्व भी इसमें ईयर ऑन ईयर हैपेज में लगभग 2024 इसमें दिए गए नहीं है, बाकी आपको वीडियो पता जरूर देखना है। टोटल बोरिंग की बात करें लगभग 396 इसके टोटल बोरिंग है, जो कि सही है कंपनी के। अगर बोरिंग कंपनी इंक्रीज करी तो थोड़ा खर्चा लगता है कंपनी में। बाकी अगर मैं बात करूं जिस समय भी वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय लगभग इसका जो GMP चल रहा है, यानी GMP यानी ग्लोबल मार्केट का इसको जो प्रीमियम है GMP ज्वेलर्स का, यानी मतलब जहां सॉरी जो ज्वेलर्स का जो ये IPO चल रहा है उसका लगभग अभी 100
80 चल रहा है। पर दोस्तों जीएमपी का अंदाजा होता है जिससे थोड़ा लिस्टिंग का पता चलता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और बात करें कंपनी का, अब जो कंपनी जो मतलब आईपीओ ओपन कब होगा, अगर बात करें कंपनी का जो ओपन होगा आईपीओ, ये 10 तारीख को आपको ओपन होते हुए दिख जाएगा, और ये क्लोज होगा 12 तारीख को, ये क्लोज होते हुए दिख जाएगा। लिस्टिंग रेट में अभी वीडियो के आगे आपको बता दूंगा। कंपनी ने जो अपना फेस वैल्यू रखा है लगभग से 10 रुपये पर शेयर रखा अपना फेस वैल्यू, और कंपनी का जो प्राइस बैंड है लगभग 456 से 480 तक इसका प्राइस बैंड रखा है। कंपनी की जो लॉट साइज की बात करें, कंपनी ने जो अपना लॉट साइज रखा है लगभग 31 लॉट साइज कंपनी ने रखा है, और कंपनी ने जो इशू करे हैं, कंपनी ने लगभग 1100 करोड़ कंपनी ने इशू करे हैं, जिसमें से कंपनी का लगभग जो कंपनी के पास जाएगा लगभग 850 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाते हुए में दिख रहा है। बाकी कंपनी के जो ऑफर फॉर शेयर है, जो कंपनी के हिस्सेदारी जो लोगों ने मतलब जो इसके मतलब प्रोमोटर्स लोग हैं जो कंपनी के मालिक हैं, वो अपनी कंपनी में हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, जो कि लगभग 250 करोड़ कंपनी के जो मतलब अपनी हिस्सेदारी सेल करते हुए में दिख रहे हैं। बाकी सही कंपनी है, बाकी ये BSE और NSE पे लिस्ट होगा। कंपनी की अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, इसमें जो वैल्यूएशन है कंपनी की लगभग, इसकी जो वैल्यू से जो RO ये लगभग 28% है, जो कि मुझे ये प्लस पॉइंट देखने के लिए मिला। बाकी ROC की बात करते हैं कंपनी की, बाकी ये भी सही है। बाकी डेप्ट की बात करें, ये बाकी अगर 0.5 से कम होता तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया होता, पर 1 से कम है तो कंपनी के लिए ठीक मान सकते हैं इसको। बाकी RO और WB ये सब कुछ सेक्टर, ये कंपनी की जो वैल्यू से मुझे ऑल द पॉजिटिव्स लगे, बाकी सही सेक्टर भी लगा कंपनी का। तो बाकी अगर मैं बात करूँ कंपनी की, जो कंपनी का जो ओपन होगा IPO 10 तारीख को ओपन होते हैं आपको दिख जाएगा, क्लोज की बात करूँ तो ये लगभग आपको 12 तारीख को क्लोज होते हुए दिख जाएगा। बेसिक जो लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी वो लगभग 13 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो आपको कहाँ पर अलॉटमेंट देखना है, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेगी टेलीग्राम पर। बाकी बात करूँ रिफंड की, रिफंड ये 16 तारीख को रिफंड होते दिख जाएगा। डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे वो 16 तारीख को ही क्रेडिट हो जाएंगे। बाकी लिस्टिंग डेट इसकी जो 17 तारीख को लिस्ट होगा, सिर्फ NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होगा। बाकी अगर बात करूँ कंपनी का जो कट ऑफ टाइम है, UPI जो आपको पता ही है, शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो और 12 बजे मतलब डेट तक। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में मैंने पूरा रिव्यू करा, मैं इस पर पर्सनल ओपिनियन दूंगा। वेट तो दोस्तों, इसमें मैंने पूरा रिव्यू करा IPO के रिकॉर्डिंग की, IPO कैसा है किससे जैसे ज्वेलर से भी समझ गया। तो दोस्तों अब मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, इसमें मैं बात करूंगा इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के। उससे पहले अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एवरीवन जरूर चेकआउट कर लेना। और बात करें अगर, देखो मैं पहले कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी है कैसी, कंपनी सही है मतलब ज्वेलर के रिकॉर्डिंग कंपनी वर्क करते हुए दिख रही है हमें, और ज्वेलर्स के रिकॉर्डिंग वर्क कर रही है तो सही सेक्टर लगा मुझको। बाकी इसमें मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा, पर अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना, अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी GMB में सही चल रहा है, हमें वेट करें जब पहले उससे दिखकर सबसे दिखकर, उसके बाद हम अप्लाई करने की सोच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।